नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। हाउडी मोदी मेगा इवेंट, आईना पाकिस्तान को और विपक्ष को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हार इसमें तब देखने को मिलती है, क्योंकि जब पिछली बार इमरान खान अमेरिका की यात्रा पर थे तो कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी उच्च अधिकारी इमरान खान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व तब देखने को मिलता है जब 50,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं, जो अमेरिका में बसे हुए हैं। लेकिन हाँ, ताकत हिंदुस्तान की दिखेगी और ताकत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखेगी। और इसी मसले पर अनुराग ठाकुर, जो यूनियन मिनिस्टर है, आज जम्मू में आए थे। हमने बातचीत करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान की तिलमिलाहट और विपक्ष की हार किस तरह से है। जहां अमेरिका में भी 50,000 से ज़्यादा लोग अब तक रजिस्टर कर चुके हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी का काम पूरी दुनिया भर में बोलता है। पहले इंग्लैंड गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनके साथ मंच साझा करने आए, वहाँ 60,000 से ज़्यादा लोग। अमेरिका में जब सेनेटर्स को उन्होंने संबोधित किया तब रिकॉर्ड समय उठकर सबने तालियों की गड़गड़ाहट से उस समय उनका धन्यवाद किया। आज जब वो 50,000 से ज़्यादा लोगों को संबोधित कर रहे होंगे तो अपने आप में बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता है, इससे भारत को बहुत बल मिलता है। जिस तरह का डिसीजन लिया गया 370 हटाने के बाद, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट था इसमें, क्या कहूँगा? मैं एक बात कहूँगा, अनुच्छेद 370-35 से को हटाना ये भारत का निर्णय, भारत सरकार का और भारतीय पार्लियामेंट का निर्णय। इसमें कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर इसकी चर्चा कर रहा है, चर्चा करने से कुछ नहीं होगा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया भारत के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है। अनुराग जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है और आम लोगों को भी निशाना बना रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जी की और नरेंद्र मोदी जी, जो आपस में मित्रता भी है और जो भारत और यूएस के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे हुए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उससे पूरी दुनिया में बड़ा एक बड़ा स्पष्ट संदेश भी जाता है और इससे भारत में व्यापार के, निवेश के और कारोबार को आगे बढ़ाने के भी और बहुत से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिका में भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनके विषयों को लेकर भी जब आपसी दो देशों के संबंध अच्छे होते हैं तो उससे और लाभ मिलता है। और आज जब वो मंच साझा करेंगे तो दुनिया भर की निगाहें केवल उस मंच पर होंगी जहाँ हाउडी मोदी के नाम से आज मोदी जी वहाँ से अमेरिका में रह रहे भारतीय और अमेरिकन्स को संबोधित। लेकिन अनुराग जी, जैसे आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो लगातार अलग अलग तरह के ट्वीट्स कर रही हैं, अनुराग जी? देखिए, विपक्ष को मलाल हो सकता है कि उनके नेताओं को देश में सुनने में भी कोई नहीं आता, लेकिन आज भारत में इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं कि उनको सुनने के लिए दुनिया भर के देशों में हजारों लोग आते हैं। जी, कश्मीर में मिलिटेंट्स जो वो धमका रहे हैं, पोस्टर्स वहाँ पे लगा रहे हैं, फूड ग्रोवर्स को धमका रहे हैं, स्कूल में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको धमका रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करने जा रही है? इतना दिनों से कश्मीर में भटक गया, जम्मू में इंटरनेट बंद है। मैं एक बात को आपको सुनिश्चित कर दूँ कि जिस तरह से पथराव की घटनाएं कांग्रेस के समय होती थी, फौजियों को घायल किया जाता था, लोगों की जानें जाती थी, हमने बॉर्डर पर भी नज़र बनाकर रखी है और उसके अंदर भी कश्मीर के अंदर कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। कोई भी अगर किसी तरह की कोई
साजिश रचता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भारत सरकार करेगी। किसी को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि कश्मीर में माहौल खराब किया जाए। हमने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले अनुच्छेद 370 35 के हटने के बाद वातावरण बनाकर रखा है, वो बना रहेगा और उसमें लगातार और सुधार होता रहेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी के बारे में आप बोल रहे थे कि महबूबा मुफ्ती की बेटी लगातार गलत चीजें फैलाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको कि यहीं से गलत मैसेज दी जा रही है? देखिए, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख को लाभ मिला है, वहीं पर चंद लोग जिनके परिवारों की तमाम सुविधाएं चलती थी, लाभ मिलते थे, सत्ता का सुख और आनंद भोगते थे, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिलता था, उनकी तीन पीढ़ियों ने राज किया और खुलकर जम्मू कश्मीर को लूटा। आज उनको लाभ मिला है जिनकी तीन पीढ़ियों को पिछले 70 सालों में कुछ नहीं मिला। आज अगर वो ये कहेंगे कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में प्रचार कर रहा है, तो मैं कहूँगा झूठ के पाँव नहीं होते। पाकिस्तान दुनिया भर में जितना मर्जी कर ले, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है।